हाय फ्रेंड्स, सत्येंद्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आपका स्वागत। मैं सुभाष कुमार आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र, यानी जल के द्वारा विद्युत शक्ति का उत्पादन करना ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी जल विद्युत शक्ति संयंत्र, यह मुख्यतः तीन भागों में इसको बांटा गया है। पहला, जल प्रवाह नियम पर आधारित, जल प्रवाह नियम पर आधारित। दूसरा, लोड के आधार पर। तीसरा, शीर्ष के आधार पर। इसको तीन भागों में बांटा गया है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो जल प्रवाह के नियम पर आधार है, इसका प्रवाहित जल का किस प्रकार किया जाता है। फिर उसके लोड के आधार पर, और फिर तीसरा उसके शीर्ष के आधार पर। अब जल प्रवाह नियम के आधार पर तीन प्रकार से किया जाता है। पहला, पोखर रहित रन ऑफ रिवर्स। दूसरा, पोखर रहित रन ऑफ पोखर सहित रन ऑफ रिवर्स। तीसरा, जल स्रोत युक्ति संयंत्र। और लोड के आधार पे भी इसको तीन भागों में बांटा गया, मूल लोड शक्ति संयंत्र, पीक लोड शक्ति संयंत्र और तीसरा पंप लोड शक्ति संयंत्र। शीर्ष के आधार पे भी इसको तीन भाग में बांटा गया है, निम्न शीर्ष शक्ति संयंत्र, मध्य शीर्ष शक्ति संयंत्र, उच्च शक्ति संयंत्र। अब एक एक करके हम इसके बारे में बता रहे हैं। पहले देखिए, जल प्रवाह नियम के आधार पर आधारित पोखर रहित रन ऑफ रिवर्स, इसका मतलब है कि यह शक्ति संयंत्र में पोखर या तालाब, ये पानी को इकट्ठा नहीं किया जाता है, पोखर रहित यानी इसमें पोखर या जलाशय को एकत्र, जल को एकत्र नहीं किया जाता है इसमें। ये जैसे ये नदी है, इस नदी का पानी को यहाँ पे एक बांध बना लिया और फिर इस बांध के द्वारा यहाँ पे पेन स्टॉक लगा के, फिर यहाँ नौजल लगा के ये टरबाइन को घुमाया, फिर ये नदी में ही पानी चला गया। ये बरसात के मौसम में इस पोखर रहित रन ऑफ रिवर्स में क्या होता है कि एक समान बिजली उत्पन्न हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि पानी नदी में का पानी फ्लो अधिक ऊपर हो जाता है, अधिक होता है, और फिर बारिश का समय ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, पानी का जल स्तर जो है नदी का घटने लगता है, तो इसकी कार्यक्षमता भी घटने लगता है। तो इसलिए यह जो है पोखर रहित रन ऑफ रिवर्स शक्ति संयंत्र में क्या होता है कि पानी को एकत्रित नहीं किया जाता है और यह बहता पानी जा रहा है उसको रोक दिया गया। फिर जो है उसमें पेन स्टॉक लगा के फिर टरबाइन लगाया, टरबाइन लगा के फिर अल्टरनेटर के, टरबाइन के शाफ्ट में अल्टरनेटर लगाया, फिर यहाँ से बिजली उत्पन्न कर लिया। ये पोखर रहित रन ऑफ रिवर्स में क्या आता है कि ये पानी को एकत्रित नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी को एक जगह रोका, फिर उससे बिजली सप्लाई प्राप्त कर लिया। यह कम क्षमता के लिए किया जाता है, अधिक क्षमता के लिए यह पोखर रहित रन ऑफ रिवर्स कार्य नहीं कर सकता है और ये समय के साथ परिवर्तित होता है। जैसे बारिश के मौसम में अधिक हो जाएगा, फिर सुखाड़ के मौसम में कम बिजली उत्पन्न होगा, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। उसके बाद पोखर सहित रन ऑफ रिवर्स, यानी कि इसमें क्या है कि पानी को किसी नदी या झरना से पानी को ये इकट्ठा किया जाता है, जैसे यहाँ पे ये पानी को ये इकट्ठा किया जाता है और फिर यहाँ से
पेन स्टॉक लगा के, फिर पेन स्टॉक में नोजल लगा के यहाँ पे टरबाइन को घुमाया जाता है, जो कि टरबाइन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। और इसके बाद लेकिन इसका पानी को बहने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी पानी को एकत्रित किया जाता है। इस पानी को फिर रिवर्स करने के लिए, जब इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये पानी की मात्रा यहाँ पे घटेगा तो इसका को क्या करता है, फिर पुनः इस पानी को नीचे से पंप के द्वारा इसमें सप्लाई कर दिया जाता है। ये क्या होता है, इसलिए क्या आता है कि रन ऑफ रिवर्स, यहाँ से रन कराया पानी को अल्टरनेटर में और फिर ये अतिरिक्त पानी जो बचा वो बाहर से नदी में छोड़ दिया गया। ये कब करता है कि ये शक्ति संयंत्र में एक सामान्य लोड पर कार्य करता है। क्यों क्यों करता है कि जैसे बारिश के मौसम में ये पानी का स्टॉक लेवल बढ़ गया, पानी का स्टॉक लेवल बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो क्या होगा, इसका प्रेशर अधिक हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा ये। और जैसे ही इसका घटेगा, पानी का स्टॉक लेवल घट जाएगा, तो क्या होगा कि इसका प्रेशर घट जाएगा। इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए क्या क्या रहता है, फिर यहाँ पे जो ये पानी बाहर आया टरबाइन के बाद वो पानी को पंप के द्वारा फिर पुनः इसी में डाल दिया जाता है, जो कि इसका लेवल को बरकरार बनाए रखता है। इससे क्या होता है कि ये एक समान बिजली उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद ये हो गया पोखर सहित रन ऑफ रिवर्स, यानी कि इनमें भी पानी को एकत्रित करने की व्यवस्था होती है और आउट में भी पानी को एकत्रित करके सप्लाई बाहर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद है जलाश जल स्रोत शक्ति, यानी कि इसमें क्या होता है कि जल को यहाँ पे भंडारित किया जाता है। एक तालाब बनाया गया, यहाँ पे जल को भंडारित कर दिया गया, फिर यहाँ से वही पेन स्टॉक लगा के टरबाइन को घुमाया जाता है, फिर इस टरबाइन के पानी को फिर यहाँ पे एक तालाब में एकत्रित कर लिया जाता है और यहाँ पे अल्टरनेटर घुमा के इससे इसके शाफ्ट से जनरेटर जोड़ के विद्युत सप्लाई इधर प्रवाहित कर लिया जाता है। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें बाहर से पानी आने की व्यवस्था को समय समय पे, जब इस तालाब की पानी घटेगा तब इसमें पानी को बाहर से एंट्री कराया जाता है। नहीं तो क्या क्या आता है इसमें कि यहाँ से पेन स्टॉक से जैसे ही जल को टरबाइन के ऊपर छोड़ा, यह टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से अल्टरनेटर की शाफ्ट में जुटा है ये घूमेगा, उसके बाद जो है ये फिर पुनः पानी जो है तालाब में एकत्रित कर लिया जाएगा। फिर क्या करेगा, इसी पानी को फिर इधर से जब पंप के द्वारा ऊपर भेजा जाएगा तो इसके बीच में भी एक टरबाइन को जोड़ दिया जाता है, जो कि ये इसमें यानी ऊपर से नीचे जाने के क्रम में भी विद्युत सप्लाई देता है और नीचे से ऊपर भी आने में विद्युत सप्लाई देता है। कहीं कहीं इस शक्ति संयंत्र में एक ही टरबाइन पे कर लिया जाता है दोनों कार्य, इसी टरबाइन से इधर से पानी सप्लाई किया, ये विद्युत सप्लाई इधर दिया और फिर जब इधर पंप के द्वारा इसी टरबाइन के ऊपर पानी को छोड़ा जाएगा तो ये पानी फिर इस लेवल पे आ जाएगा। ये इस शक्ति संयंत्र में क्या होता है कि यह एक सामान्य रूप से कार्य करता है, इसकी क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे दोबारा पेन स्टॉक इसमें लगा देंगे, फिर यहाँ पे एक अल्टरनेटर लगा देंगे, फिर इससे रन ऑफ रिवर्स करते रहेंगे, यानी इधर से जाएगा फिर भी बिजली उत्पन्न देगा, नीचे से ऊपर आएगा फिर भी ये बिजली उत्पन्न करेगा। ये अपने आप जो है जिस तरह से कार्य कर सकता है। और उसके बाद है
लोड के आधार पे, इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे लोड के आधार पे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।